ओके लाइट लाइट बंद करियो ओके चलो स्टार्ट करते हैं प्लीज साइलेंस फोटोमेट्री स्पेक्ट्रा एंड कलर्स फोटोमेट्री branch of optics in which we study and measure the light emitting capacity of a source and illumination produced by it on the surface. Page number kaun sa hai ye booklet ka? 78H. 78H ko open kar lo please. Dekho. Iske andar optics ki branch hai. जो किसी भी सोर्स की लाइट एमिटिंग कैपेसिटी और इल्यूमिनेंस के बारे में डिस्कस करेगी. जैसे मैं एक बल्ब लेके आया, उस पर लिखा हुआ था 100 वॉट्स, तो यानी कि वो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 100 वॉट्स. अब क्या वो बाहर लाइट 100 वॉट्स के अकॉर्डिंगली निकालेगा? नहीं निकालेगा. एनर्जी लॉस है, हीट लॉस है, बहुत सारे लॉसेज है, नहीं निकालेगा. तो लाइट की एनर्जी कितनी निकालेगा और कितनी एनर्जी उसके पास टोटल है, इनके बीच में रिलेशन, इन चीजों को स्टडी करना इज फोटोमेट्री. तो फोटोमेट्री के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. पहली टर्म है रेडिएंट फ्लक्स आर. रेडिएंट फ्लक्स आर का मतलब है टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड. एनर्जी पर सेकेंड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड इज रेडिएंट फ्लक्स. और इसके यूनिट्स हमेशा क्या होंगे? वॉट्स, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड इज वॉट्स. ठीक. और इसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज इक्वल टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स. अगर बल्ब की वॉटेज 100 वॉट है, वो आर की वैल्यू 100 वॉट है. अगर बल्ब की वॉटेज 200 वॉट्स है, तो आर की वैल्यू 200 वॉट्स है. ठीक हो गया, ये टोटल एनर्जी पर सेकेंड है. लेकिन उसके बाद है ल्यूमिनस फ्लक्स फाई. ल्यूमिनस फ्लक्स फाई का मतलब है टोटल लाइट एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकेंड. ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल लाइट एनर्जी है सोर्स पर सेकेंड. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? दोनों में फर्क है. तो दोनों एनर्जी पर सेकेंड है, इसके यूनिट तो वॉट्स हैं, पर लाइट एनर्जी पर सेकेंड को वॉट्स नहीं बोलते. लाइट एनर्जी पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? ल्यूमन्स, ल्यूमन. ठीक है यहां तक? मैंने एक प्रोजेक्टर को परचेज किया और प्रोजेक्टर जब मैं कंपेयर करने का गया था, तो उन्होंने कहा था कि कितने ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर चाहिए, 4000 ल्यूमेंस का, 5000 ल्यूमेंस का या 1000 ल्यूमेंस का. मैंने पूछा डिफरेंस, उन्होंने कहा सारे के सारे ये जो प्रोजेक्टर है ये 100 वॉट्स पे चलते हैं, यानी कि पावर मुझसे तो 100 वॉट ले लेंगे, लेकिन उस एनर्जी को कोई प्रोजेक्टर लाइट ज़्यादा फेंकेगा, कोई लाइट कम फेंकेगा. जिसमें ल्यूमेंस ज़्यादा होंगे वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा या यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, और जो ल्यूमेंस कम होंगे वो कम करेगा. तो ऑब्वियसली आप एक प्रोजेक्टर जब परचेज करोगे, उसके ल्यूमेंस हमेशा ज़्यादा देखोगे. ठीक, क्योंकि आपको ज़्यादा लाइट यहाँ चाहिए. ठीक, यहाँ तक. नेक्स्ट है एफिशेंसी ईटा. ल्यूमिनस एफिशेंसी इज डिफाइंड एज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है, लाइट की फॉर्म में कितनी एनर्जी है पर सेकेंड, और टोटल एनर्जी कितनी है पर सेकेंड. इस प्रोजेक्टर का आर तो 100 वॉट है, लेकिन लाइट की फॉर्म में एनर्जी थोड़ी कम होगी, ऑब्वियसली उस टोटल से तो कम ही होगी. तो इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? ईटा. तो पहली डेफिनेशन क्या हुई? आर. आर का मतलब टोटल एनर्जी पर सेकेंड, यूनिट्स क्या है? वॉट्स. दूसरी डेफिनेशन क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स. ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हुआ? लाइट की एनर्जी पर सेकेंड, और यूनिट्स क्या है? ल्यूमन्स. और इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तीन डेफिनेशंस क्लियर. चौथी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कई लोग इसके सिंबल को कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई. गलत. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है एल. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज गिवन बाय एल. कोई डाउट इसमें?
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज एल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स. ल्यूमिनस फ्लक्स का सिंबल क्या था? फाइ, कि कितनी लाइट एनर्जी है पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल. जब लाइट निकलती है एक सोर्स में से हर तरफ जाती है, हर तरफ जाने का मतलब एक सॉलिड एंगल बनाएगी. मान लो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की लाइट कैसे एमिट होगी? स्फेरिकल की फॉर्म में. और स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होता है सेंटर पे? 4 पाई. जो स्फेयर है उसका सॉलिड एंगल 4 पाई. तो मान लो ये एक स्फेयर है, मान लो मैंने इतना सा पोर्शन लिया स्फेयर का डेल्टा एस, सरफेस एरिया डेल्टा एस, जिसने सॉलिड एंगल कितना सबटेंड किया? डेल्टा ओमेगा. तो अगर मैं इस केस में ल्यूमिनस इंटेंसिटी एल कैलकुलेट करूं तो रेशियो क्या बनेगी इसमें? रेशियो बनेगी, इट इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स फाई, कितनी लाइट आ रही है यहां पर? फाई, डिवाइडेड बाय ओमेगा, या इन शॉर्ट इसमें क्या लिखा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा ओमेगा. डेफिनेशन क्लियर है? कितनी लाइट एनर्जी पर सेकेंड आ रही है और कितने एंगल में जा रही है लाइट. तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा? डेल्टा फाई डेल्टा ओमेगा. इनकी इनके जो यूनिट्स हैं, इनके यूनिट्स हैं ल्यूमन्स, ल्यूमन्स पर स्टेरेडियन. सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन. ल्यूमन पर स्टेरेडियन. ल्यूमन पर स्टेरेडियन का दूसरा नाम है कैंडेला. फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर याद करो, कैंडेला. ठीक है यहां तक? तो ये पॉइंट क्लियर है? तो पहली डेफिनेशन क्या है? आर, टोटल एनर्जी पर सेकेंड. दूसरी डेफिनेशन क्या है? फाई. फाई का मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स, लाइट एनर्जी पर सेकेंड. तीसरी डेफिनेशन क्या है? ईटा, एफिशिएंसी, लाइट एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी. चौथी डेफिनेशन क्या है? एल. एल का मतलब इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब फ्लक्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा. क्लियर यहां तक? और इसके यूनिट्स कैंडेला. एल के यूनिट्स इसमें, सॉरी, जो फाई के यूनिट्स ल्यूमन्स. वैसे फॉर्मूलाज की बजाय ना यूनिट्स पे ध्यान देना ज्यादा, यूनिट से क्वांटिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा, इसके यूनिट बड़े अच्छे हैं. मतलब इसमें ऐसा है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, नहीं ना कि पता ना लगे. तो इसमें तो ये है ना कि पता ही है, ल्यूमन्स अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो फाई होगा, और अगर कैंडला यूज कर रहे हैं तो एल होगा. तो यूनिट से ही फॉर्मूलाज पता लग जाएंगे आपको. नेक्स्ट है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे अगर मान लो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स में लाइट कैसे एमिट होगी? स्फेयर की फॉर्म में. और स्फेयर का टोटल एंगल सेंटर पे कितना होता है? 4 पाई. तो एल का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई. तो फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एल इंटू 4 पाई. बॉक्स में डाल लो प्लीज, इसे इंपॉर्टेंट है. फाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एल. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? पूछ. इलेक्ट्रोस्टैट्स कॉपी चेक कर, सॉलिड एंगल एच सी वर्मा, इलेक्ट्रोस्टैट्स चेक कर. तो सॉलिड एंगल स्फेयर का 4 पाई होता है, हेमीस्फेयर का 2 पाई होता है, और इसके अलावा आता नहीं. और कोन का जो भी होगा वो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में निकाला था, वो कॉस थीटा की फॉर्म में. ठीक. सो थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा यार. तो वो आर्क याद है, नॉर्मल एंगल कैसे निकालते थे? आर्क बाय आर. सॉलिड एंगल क्या निकालते हैं? आर की जगह सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. जैसे पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका रेडियस कितना है? आर, आर का स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 4 पाई. ऐसे ठीक है यहाँ तक? सो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे सोर्स जो होते हैं पॉइंट सोर्स होते हैं, तो अपने का सॉलिड एंगल 4 पाई चाहिए अपने को. तो बस नेक्स्ट है, नई डेफिनेशन है इल्यूमिनेंस. इल्यूमिनेंस इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, नहीं, फ्लक्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. तो अभी हमने डिस्कस किया था इसमें, इस डायग्राम में देखो, अगर मैं डेल्टा फाई को डेल्टा ओमेगा से डिवाइड करूं तो एल हो जाएगा, और अगर मैं डेल्टा फाई को डेल्टा एस से डिवाइड करूं तो इल्यूमिनेंस आ जाएगी, और इल्यूमिनेंस का सिंबल क्या होता है? आई. आई समझ में आ रहा है यहां तक? डेल्टा फाई बाय डेल्टा ओमेगा इज एल, डेल्टा फाई बाय डेल्टा एस इज आई, इल्यूमिनेंस. ठीक. तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं. पहली डेफिनेशन क्या थी? आर, टोटल एनर्जी पर सेकेंड. सेकेंड क्या थी? फाई, लाइट एनर्जी पर सेकेंड. तीसरी, एफिशिएंसी,
इनकी रेशियो। चौथी एल इंटेंसिटी क्या था, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा ओमेगा, ठीक। और नेक्स्ट है आई, आई का मतलब है यहां पर इल्यूमिनेंस, और इल्यूमिनेंस का मतलब डेल्टा फाइव बाय डेल्टा, ये भी अच्छी बात है। इनके यूनिट्स क्या बनेंगे, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स, तो लक्स से पता लग जाएगा कि आई की वैल्यू हो रही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें, डेफिनेशंस क्लियर है। सो मान लो अलग अलग तरीके के सोर्स हैं, सोर्स पॉइंट सोर्स हो सकता है, लाइट स्फेरिकल है, सोर्स स्लिट हो सकती है, सिलेंड्रिकल लाइट है, सोर्स प्लेन हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर मान लो सोर्स पॉइंट सोर्स है, पॉइंट है, तो सरफेस एरिया कितना बनेगा, 4πr2। और उस केस में आई क्या होता है, फ्लक्स फाइव डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना है, 4πr2, तो 5/4πr2। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2, यानी कि जो इल्यूमिनेंस होगी ना, लाइट जितनी गिरती है एक सरफेस एरिया के ऊपर, वो r के साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जब स्फेयर बड़ा होता जाएगा, लाइट स्फेरिकल फॉर्म में जा रही है, स्फेयर बड़ा 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 होता जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, आई कम होता जाएगा, ठीक। और अगर सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल में एरिया क्या होता है, 2πr(l), तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2πr(l), क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट है ना, वो तो बल्ब के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बल्ब का फ्लक्स कांस्टेंट है, बल्ब जितनी लाइट निकाल रहा है वो फाई है, वो तो कांस्टेंट है दोनों केस में, लेकिन वो कैसे निकाल रहा है, स्फेयर निकाल रहा है, सिलेंडर निकाल रहा है, उस शेप पे डिपेंड करता है। तो अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो 2πr(l), तो उसमें इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। और अगर मान लो प्लेन की फॉर्म में जा रहा है, ना स्फेरिकल है ना सिलेंड्रिकल है, एक प्लेन लाइट आ रही है, प्लेन लाइट के केस में नॉर्मल एरिया डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस। तो अगर आप फिगर में एक बार चेक करोगे, ये देखो यहां से जब लाइट निकलेगी तो स्फेयर बड़ा 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 होता जा रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, सिलेंडर में सिलेंडर बड़ा 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 होता जा रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, प्लेन में प्लेन लाइट जाती जा रही है, एरिया विल रिमेन सेम, क्योंकि ये ऐसे बड़ा तो हो नहीं रहा, अगर ये प्लेन जा रही है तो प्लेन का सर जो एरिया रहेगा वो हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो अगर ये आर कम होगा तो भी डेल्टा एस सेम रहेगा, आर ज्यादा कर दोगे तो भी डेल्टा एस सेम रहेगा, ठीक। इसका फायदा रिजल्ट का, इसका फायदा ये कि जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, हमने ऑप्टिक्स में किया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो उस केस में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो, अगर मान लो लाइट स्फेयर की फॉर्म में है तो इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, अभी डिस्कस किया, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। तो अगर आपकी वेव या अगर आपकी लाइट स्फेयर की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेव की इक्वेशन बनेगी वाई इज वाई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो याद है वेव की इक्वेशन क्या करते थे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें हम नॉर्मली वेव की इक्वेशन में वाई इज ए नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं, हम कभी नहीं कहते कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन इस केस में स्फेरिकल वेव की फॉर्म में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, और वो क्या होता है, वाई नॉट बाई आर होता है। अगर मान लो सिलेंड्रिकल वेव आती है, सिलेंडर के केस में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। तो आपकी जो वेव की इक्वेशन बनेगी वाई इज वाई नॉट बाई रूट आर साइन ऑफ समथिंग। लेकिन अगर प्लेन वेव आएगी, हमने आज तक जितनी भी वेव्स की वो प्लेन की, हमने कभी शेप में तो काम नहीं किया, कभी स्फेरिकल वेव पे काम नहीं किया। तो अगर प्लेन आएगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो इक्वेशन सिंपली क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम हमेशा प्लेन वेव फ्रंट्स लेते हैं, तो हमारी वेव की इक्वेशन में कभी यहां आर आता ही नहीं। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल होगा रूट आर आएगा, स्फेयर होगा तो आर आएगा। क्वेश्चन आया हुआ है ये, मार्क द करेक्ट इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल के अंदर देखना होता है कि रूट आर आ रहा है, इसका मतलब सिलेंड्रिकल है। क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, इस पूरे जितना भी हमने काम किया उसको टेबल की फॉर्म में इसे मेंशन कर दिया, सही है। तो टेबलर फॉर्म में रेडिएंट फ्लक्स आ रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स फाई है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी पता है हमें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एल है, डी फाई बाय डी ओमेगा, और इल्यूमिनेंस क्या है, डी फाई बाय डी एस, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इल्यूमिनेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है, एल, और इल्यूमिनेंस का सिंबल क्या होता है, आई। एल और आई के बीच में रिलेशन क्या होगा,
एल और आई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए दोनों के फॉर्मूले लिख लो, आई का फॉर्मूला क्या है डी फाई बाई डी एस, और एल का फॉर्मूला क्या है डी फाई बाई डी ओमेगा। यहां से डी फाई निकाल लो, यहां से डी फाई निकाल लो, दोनों को इक्वेट करो, ये क्वेश्चन आ गई, आई इज इक्वल टू एल इंटू डी ओमेगा बाई डी एस। ठीक, तो फॉर्मूलाज पता लग रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, यूज कैसे करने हैं, अभी न्यूमेरिकल में अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है यहां तक, तो चेक करें, तो इसके अंदर सपोज करो ये एक स्क्रीन है, ये एक सोर्स है, बल्ब है, लाइट हर तरफ जा रही है, लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है। अब लाइट के केस में नॉर्मली जो सरफेस एरिया होता है वो आर के परपेंडिकुलर लिया जाता है हमेशा, लेकिन इस केस में सोर्स नीचे रख दिया, वॉल टेढ़ी है, तो वॉल के ऊपर प्रोजेक्शन लाइट कैसी पड़ेगी, सीधी वॉल के ऊपर तो रोशनी ऐसी आएगी, पर आपने कैलकुलेशन के टाइम में ये नहीं लेना सरफेस एरिया, आपने इसका कंपोनेंट ले लेना डीएस का। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसे करते थे एक बार, फ्लक्स के अंदर गॉस थ्योरम के अंदर किया था, तो हमने क्या किया डीएस डैश ले लिया। हम प्रोजेक्शन एरिया का क्या लेते हैं, हम प्रोजेक्शन वो लेते हैं जो आर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल ऐसे कैलकुलेट होते हैं, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में, और ये मान लो वॉल के ऊपर नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ मतलब इस डायग्राम, में फर्क नहीं है, इस लाइन को यहां ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो आर डिस्टेंस पे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसने इसके साथ लाइट के साथ एंगल क्या बनाया थीटा। ठीक, और मुझे करना क्या है, मुझे इस केस में अगर सॉलिड एंगल को निकालने को कहे कि सॉलिड एंगल निकालो, तो सॉलिड एंगल की कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, मैं एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करूंगा। सॉलिड एंगल निकालने का तरीका यही बताया मैंने, एरिया को आर स्क्वायर से डिवाइड करो। अब एरिया डीएस नहीं लूंगा, सॉलिड एंगल में एरिया क्या लूंगा डीएस डैश लूंगा, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और याद है हम ऐसे किया करते थे प्रोजेक्शन में कि एरिया का कॉम्पोनेंट हमेशा क्या निकलता है डीएस कॉस थीटा, तो ये अगर डीएस है तो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। तो अगर मान लो आपका सोर्स यहां नहीं पड़ा हुआ, अगर आपका सोर्स दीवार के एकदम परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, फिर उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, मान लो यहां पड़ा हुआ है, थीटा क्या हो जाएगा जीरो, थीटा जीरो होगा, फॉर्मूला पुराना लग जाएगा डीएस बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया एकदम परपेंडिकुलर पड़ेगा इसके ऊपर डीएस। और अगर मान लो नीचे पड़ा हुआ है एट एन एंगल ऑफ थीटा पड़ा हुआ है, तो सरफेस एरिया इसमें डी ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होगा डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आपका अगर कोई न्यूमेरिकल आया उसमें आपको परपेंडिकुलर क्यों देगा, थीटा पे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, थीटा जो एंगल होता है वो वॉल का लाइट के साथ नहीं है, वो नॉर्मल का लाइट के साथ है, तो वॉल के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, और इस फॉर्मूले को डी ओमेगा को पिछली क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। पिछली क्वेश्चन में आई किसके इक्वल हमने निकाला, आई इज इक्वल टू एल डी ओमेगा बाई डी एस। डी ओमेगा बाई डी एस की रेशियो अभी हमने निकाली ली, डी ओमेगा बाई डी एस की रेशियो क्या आएगी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पुट करोगे तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रूफ किया वो नहीं कोई पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली न्यूमेरिकल में आपको वो एल देगा, आपसे आई पूछेगा, और सोर्स कहां देगा वो उसकी मर्जी, आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा, आर ढूंढना पड़ेगा, आया जाएगा। तो आपके प्रूफ किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, अगर आपका सोर्स, ये सोर्स यहां ना पड़ा होता, यहां पड़ा होता, तो एंगल थीटा क्या हो जाता जीरो, तो इंटेंसिटी लाइट की क्या पड़ती एल बाई आर स्क्वायर इंटू वन मैक्सिमम, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती। तो उस केस में अगर मान लो थीटा जीरो होता, उस केस में आई मैक्स क्या आ जाता एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आई डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को पुट कर लो आई नॉट मैक्सिमम, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है उस केस में, इक्वेशन बनेगी आई नॉट कॉस थीटा। ठीक, मैं वापस यहीं से दिखा देता हूं, हमारी इक्वेशन यहां तक रेडी है, हम एल बाई आर स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, इसके नीचे लिख लो चाहे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, वेयर आई नॉट का मतलब क्या है एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है, तो इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे।
ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। इसके बाद ना बड़ी लंबी सी थ्योरी डिस्कस की हुई है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। पहला पॉइंट तो ये डिस्कस कर रहा है कि अगर एंगल थीटा जीरो हो तो अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी ये हो जाएगी, समझ में आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, सेकेंड केस ये डिस्कस कर रहा है कि मान लो कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें एल कॉन्स्टेंट हो और थीटा भी कॉन्स्टेंट हो, मतलब मैंने सपोज करो प्रोजेक्टर को हवा में टांग दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, लाइट आ रही है और मैंने स्क्रीन का ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया, इसकी लाइन में मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ऑब्वियसली अब ये आर टेढ़ा होगा प्रोजेक्टर के साथ, ठीक, वैसे ही एंगल नॉर्मल नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनेगा लाइट का, ठीक। तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा इस पॉइंट के लिए या नीचे किसी भी पॉइंट के लिए, आई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसकी सीध में एक पॉइंट लेता हूं तो एंगल थीटा क्या लेंगे, जीरो, ठीक। अब पॉइंट टू बी नोटेड, मैं सपोज करो प्रोजेक्टर को वहां टांग देता हूं, मैं सपोज करो पॉइंट ऑफ स्टडी ये ले लेता हूं, तो मेरा थीटा तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, और मैं ये कर सकता हूं प्रोजेक्टर का एल चेंज कर दूं पीछे से, मान लो एक मिनट के लिए, कि बहुत सारे केस बन सकते हैं क्योंकि हम अपने पास फॉर्मूला क्या बना हुआ है, आई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जैसे इसने कहा पहले केस में आप एल को भी चेंज ना करो, थीटा को भी चेंज ना करो, मत करो आप एल को मत चेंज करो, एल चेंज ना होने का मतलब बल्ब चेंज नहीं करना अपने प्रोजेक्टर का, वही रखो तो लाइट तब उतनी फेंकेगा जितनी फेंक रहे, आप थीटा चेंज नहीं कर रहे, पॉइंट ऑफ स्टडी यही है, प्रोजेक्टर वहीं पर है, मत चेंज करो। लेकिन आप क्या चीज चेंज कर रहे हो, आर चेंज कर रहे हो, ना तो आप प्रोजेक्टर का लैंप चेंज कर रहे हो, लेकिन प्रोजेक्टर को आप इस तरीके से आगे पीछे कर रहे हो कि उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, उसका सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उसका डिस्टेंस तो चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्टर को वहां फिक्स ना करो, थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ, आगे ले आओ, सच दैट आर चेंज हो जाए स्क्रीन के साथ लेकिन एंगल चेंज ना हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लो, आप इस बल्ब को प्रोजेक्टर को पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे ले जाओ ताकि एंगल थीटा चेंज ना हो लेकिन आर चेंज हो जाए, आप बल्ब भी चेंज ना करो, बल्ब ना चेंज करने का मतलब एल की वैल्यू ल्यूमंस क्या रखोगे, सेम, ठीक। तो ऐसे केस में आई जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के स्क्वायर के, कॉन्स्टेंट हो। तो इसको याद क्या करना, इसको डिस्कस भी क्या करना, क्या पता किसी न्यूमेरिकल में क्या दे। अच्छा, किसी न्यूमेरिकल में ऐसे दे सकता है, सपोज करो सनराइज हो रहा है और फिर सनसेट हो गया, आप यहां खड़े हो, जब सनराइज और सनसेट हो रहा है उस केस में क्या होगा, सनराइज के केस में सन दोपहर को बिल्कुल सर पे आ जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ सन का एंगल क्या हो रहा है, चेंज, सन की पावर तो चेंज नहीं हुई ना, सन तो लाइट उतनी फेंक रहा है, तो एल की वैल्यू क्या रखी है, कॉन्स्टेंट, पर एंगल चेंज कर दिया और आर की वैल्यू विल रिमेन सेम। अब क्या पता ऐसा केस आ जाए, और दोपहर को जब सन बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा थीटा क्या आ जाएगा, जीरो, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, दोपहर को बहुत गर्मी लगती है, सुबह और शाम क्या हो जाएगा, थीटा बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रखनी है कौन सी नहीं रखनी, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछने वाला आपको देगा, तो इन केसेस को डिस्कस करके कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। यहां तक जस्ट वो वैसी एनालिसिस करके बता रहा है कि कौन कौन से केसेस इस कैटेगरी में आ सकते हैं। असली चीज इसमें है फोटोमीटर एंड प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। फोटोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू कंपेयर द इल्यूमिनेंस ऑफ टू सोर्सेस, तो मतलब आई की वैल्यू, इल्यूमिनेंस का मतलब है आई, तो आई आप दो बल्ब लेके आओ, अगर आपको ये चेक करना है कि किस बल्ब की आई की वैल्यू बड़ी है, किस बल्ब की आई की वैल्यू छोटी है, फोटोमीटर बता देगा। और इस प्रिंसिपल को जिसमें इल्यूमिनेंस को कंपेयर किया जाता है इज नोन एज फोटोमेट्री। फोटोमीटर या फोटोमेट्री के अंदर आपने एक स्क्रीन लेनी है, ये स्क्रीन है, दो बल्ब लेने हैं, दो बल्ब्स को आपने आपने आर वन आर टू डिस्टेंस पे रखना है, दो बल्ब की एल की वैल्यू डिफरेंट है, और इस फोटोमीटर का काम दोनों की एल की वैल्यू को कंपेयर करना या दोनों की आई की वैल्यू को कंपेयर करना क्योंकि एल आ गया तो आई के साथ रिलेशन तो हमें पता ही है, ठीक। तो पहली चीज, हमने इन बल्ब को स्क्रीन के साथ एंगल पे तो रखा नहीं, नॉर्मल के साथ रखा हुआ है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जीरो, ठीक हो गया। तो आई की वैल्यू, यहां पर आई की वैल्यू क्या का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहां पर जो फॉर्मूला आई का यूज करेंगे वो एल डिवाइड आई नॉट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो यहां पर क्योंकि हम इसको ऐसे करेंगे, जो बल्ब हैं स्क्रीन के डिस्टेंस के पास या दूर ऐसा रखेंगे, इक्विडिस्टेंट नहीं रखेंगे, इक्विडिस्टेंट रखेंगे, एक पास रखेंगे और एक दूर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि आई की वैल्यू इस स्क्रीन के ऊपर दोनों बल्ब की क्या रहे, सेम। देखो एक बड़ी वोल्टेज का हो सकता है, एक कम का हो सकता है, एक ज्यादा रोशनी फेंक रहा है और एक कम फेंक रहा है। और प्रिंसिपल फोटोमीटर का यह है कि आई की वैल्यू लेफ्ट और राइट पर क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। और उसको करने का एक ही तरीका है, बड़ी पावर का बल्ब दूर रखो, छोटे वाले पावर के बल्ब को पास रखो, ताकि इंटेंसिटी दोनों की क्या रहे, सेम। तो अगर आई सेम करेंगे तो एल वन बाई आर वन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एल टू बाई आर टू स्क्वायर। तो ये रेशियो आ गई, ये फॉर्मूला फोटोमीटर का। तो एल वन बाई एल टू इज ऑलवेज इक्वल टू आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर। ठीक। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ठीक। सो ये रिजल्ट भी न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है कि जो ईटा होता है वो क्या होता है, फाई बाई आर। तो फाई किसके इक्वल होगा, ईटा इंटू आर। और जो फाई होता है वो फोर पाई इंटू एल के इक्वल भी होता है, हमने दो फॉर्मूलास किए। तो यानी कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड फाई इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो आर वन बाई आर टू, फाई वन बाई फाई टू, एल वन बाई एल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, बस ये है फोटोमेट्री। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूला हमने जो किया, टेबल आपको रिवाइज करवा देगा। आर, आर के यूनिट्स क्या हैं, वॉट्स, और आर को क्या बोलते हैं, रेडिएंट फ्लक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला ल्यूमिनस फ्लक्स, फाई, फाई का मतलब ल्यूमन्स। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस एफिशिएंसी, फाई बाई आर, ल्यूमन्स पर वॉट्स। और नेक्स्ट का फॉर्मूला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एल डी फाई बाई डी ओमेगा, और इल्यूमिनेंस का मतलब डी फाई बाई डी एस, इसके यूनिट्स कैंडला, इसके यूनिट्स लक्स। फॉर्मूलास क्लियर है? और फिर हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला किया, इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला किया। आई का फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, आई नॉट कॉस थीटा, ऐसे किया, या एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक। और लास्ट फोटोमीटर का प्रिंसिपल किया, फोटोमीटर का ये प्रिंसिपल किया। क्या पॉइंट क्लियर है? उसके बाद जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में इल्यूमिनेंस ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है एंगल जीरो, थीटा इज जीरो। सन है ना, सन यानी कि दोपहर को सर के ऊपर आ गया, नॉर्मल आ गया, थीटा जीरो। सो इल्यूमिनेंस का मतलब आई, आई गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, आर गिवन है। क्या निकालना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एल निकालना है। तो हमने फॉर्मूला किया, I इज इक्वल टू एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू यहां पर 1, तो यहां से L इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, आई पता है, आर पता है, यहां से आंसर आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, अब वो कह रहा है कि मेरे को क्या निकालना है, फाई निकालना है। चेक करो बी पार्ट में, फाई पूछे, फ्लक्स पूछे, और फ्लक्स क्या होता है, 4 पाई इंटू एल, एल हम निकाल चुके हैं, 4 पाई इंटू एल से क्या जाएगा, फाई आ जाएगा, और फाई के यूनिट्स क्या होते हैं, ल्यूमन्स। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक। फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। अब जैसे नेक्स्ट है, 40 वॉट का लैंप हैज ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ 4 पाई, क्या गिवन है, ईटा, एफिशिएंसी इज ईटा, और ईटा क्या होता है, आर अपॉन नहीं, 5 बाय आर, 5 बाय आर। एज्यूमिंग दैट लाइट इज एमिटेड बाय लैंप ओनली इन फॉरवर्ड हाफ, पॉइंट सोर्स स्फेयर की फॉर्म में लाइट को एमिट करता है, लेकिन ये कह रहा है इफ ओनली फॉरवर्ड हाफ, फॉरवर्ड हाफ का मतलब हेमिस्फेयर।
इन ऑल डायरेक्शंस कैलकुलेट ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ द लैंप. क्या निकालना है? फाई निकालना है. फिर क्या निकालना है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि एल निकालना है. लास्ट में क्या निकालना है? आई निकालना है. तो सबसे पहले फाई किसके इक्वल है? ईटा किसके इक्वल है? फाई बाय आर. तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? ईटा इंटू आर. आपको न्यूमेरिकल में ईटा पता है और आर पता है. सबसे पहले क्या आ गया? फाई आ गया. पहला पॉइंट क्लियर, फाई आ गया. नेक्स्ट में क्या निकालना है कि आपको एल निकालना है. एल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी ओमेगा. डी ओमेगा का मतलब आपको सॉलिड एंगल पता होना चाहिए. ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल सबको पता है कितना? 2 पाई. तो डी फाई बाई 2 पाई. तो डी फाई हम निकाल चुके हैं बाई 2 पाई. क्या आ गया? एल आ गया. नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? आई. आई निकालने के दो तरीके हैं. या तो आई एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. कॉस थीटा इसमें 1 है, ऐसे कर लो. या फिर ऐसे कर लो डी फाई बाई डी एस कर लो. और डी एस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. दोनों से आंसर सेम. तो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन समझ में आ रही है? ठीक. अब जैसे नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार.
देखो इसमें 100 वॉट, 100 वॉट पढ़ते ही बोलो क्या गिवन है, आर, बिल्कुल सही, वॉट से तो आर है. विच मे बी कंसिडर्ड एज एन आइसोट्रोपिक सोर्स, पॉइंट सोर्स है, हैज ल्यूमिनस एफिशिएंसी, क्या गिवन है, ईटा, ईटा पता है, आर पता है, तो क्या जाएगा, फाइव. सो एस इज प्लेस्ड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस रूट थ्री फ्रॉम द सोर्स, पी इज एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विच रिसीव्स लाइट हैविंग अ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द स्क्रीन. डायग्राम कुछ ऐसे, ऐसे पॉइंट पी यहां पर रिसीव करनी है और ये डिस्टेंस कितना गिवन है, रूट थ्री. वॉल के साथ एंगल 30 है, वॉल के साथ नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल के साथ चाहिए, नॉर्मल के साथ 60 है, तो थीटा हमारा कितना है, 60. तो पहला स्टेप सबको क्लियर है. तो यहां से पहले उसने क्या निकाल लिया, फाई निकाल लिया, ल्यूमन में फाई आ गया. एल क्या होता है, फाई बाय फोर पाई, तो यहां से एल भी आ गया, एल आ गया, फाई आ गया, दो चीजें आ गई. हमने क्या निकालना है इसमें, आई निकालना है. आई का फॉर्मूला क्या होता है, एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. अब आर क्या लें, रूट थ्री नहीं, सोर्स और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये एस पी, इसमें आर क्या माना जाएगा, एस पी. ये रूट थ्री है, ये 30 डिग्री है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के क्या निकाल लोगे, एस पी. एस पी की वैल्यू आ गई, एस पी आ गया, तो आई की वैल्यू क्या होती है, एल कॉस थीटा बाय एस पी का स्क्वायर. थीटा यहां पर 30 नहीं, थीटा यहां पर नॉर्मल के साथ 60 आई आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है यहां तक. अब जैसे ये क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड है, खुद हो जाएगा. ये देखो, ये मेडिकल में नहीं आएगा, ओनली नॉन मेडिकल. पॉइंट लाइट सोर्स इज टू बी सस्पेंडेड अबव द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल. एक सर्कल का टेबल है, सर्कुलर टेबल है, और एक बल्ब को उसके ऊपर टांग दिया, ऑफ रेडियस, टेबल का रेडियस आर है. व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द लैंप, लैंप की हाइट एच क्या होगी टेबल से, सो दैट इल्यूमिनेशन इज मैक्सिमम एट द एज ऑफ द टेबल. तो इल्यूमिनेशन टेबल की एज पर मैक्सिमम होगी. तो ये लैंप टांग दिया, हाइट आपको निकालनी है, कॉर्नर पे इल्यूमिनेट, आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और नॉर्मल के साथ एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर. आर का मतलब जहां पॉइंट है और जहां सोर्स है उनके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस इज आर. तो स्टार्ट कहां से करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर, और कॉस थीटा यहां से क्या जाएगा, एच बाय आर. आई का फॉर्मूला क्या होता है, एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, आर की जगह आर, ये वैल्यू आ जाएगी. आपको क्या चाहिए, आई की वैल्यू मैक्सिमम और हाइट की वैल्यू निकालनी है. तो नॉन मेडिकल में मैक्सिमम मिनिमा करते हो, आई को मैक्सिमम करो विद रिस्पेक्ट टू जो निकालना है, क्या निकालना है, एच, और इक्वल टू जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच आएगा. ठीक, डिफ्रेंशिएशन हो गई, कैलकुलस हो गया, ठीक है. तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक. तो फोटोमेट्री का आइडिया सबको पता लग गया कि फोटोमेट्री में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, बस यही है फोटोमेट्री, बाकी आपकी प्रैक्टिस है अपने अपने. तो आपको शायद फोटोमेट्री की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बुक्स में मिलेंगी नहीं. मेरे पास एक असाइनमेंट पड़ी है जिसमें फोटोमेट्री की कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो आई हुई है मैंने नोट की हुई है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम शीट दे दूंगा, आप वो ट्राई कर लेना, हो सकता है मिल भी जाए किसी बुक में, पर ज़्यादातर बुक्स में गिवन नहीं है. एक जी सी अग्रवाल में गिवन है, जो IIT की बुक है मैंने वही स्कैन की हुई है, सबसे बेस्ट उसी में मिली मुझे, और इससे अच्छी फोटोमेट्री है नहीं. अब लग ही रहा है आपको एकदम एब्सोल्युटली काफ़ी क्लियर है इसमें, ठीक है. और कुछ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे दूंगा जो आई हुई है, वो आप ट्राई कर लेना. अच्छा हाँ, लास्ट फोटोमीटर की प्रॉब्लम है, एक फोटोमीटर, जो फोटोमीटर अभी डिस्कस किया ना उसकी प्रॉब्लम भी है. सच फोटोमीटर की प्रॉब्लम के अंदर एक जरा क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज, टू लैम्प्स, लैम्प्स कहाँ पड़े हुए हैं एक बार चेक करो, और कैसे पड़े हुए हैं. Thank you.
ओके क्वेश्चन पढ़ लिया. देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, दो लैंप्स हैं और ए एंड बी, और उनके बीच में डिस्टेंस एक स्क्रीन से कितना पड़ा हुआ है 60 एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बंसन फोटोमीटर. अ लार्ज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर इज देन प्लेस 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द इस एक्सिस के. मीन्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, ये स्क्रीन है, पहला केस नंबर ए, आपने एक बल्ब को 60 पे रखा, एक को 100 पे रखा, ठीक, और इंटेंसिटी यहाँ पर बराबर कर दी, आई की वैल्यू यहाँ पर बराबर कर दी, यानी कि इस बल्ब की जितनी लाइट इस पे गिर रही है इस बल्ब की भी एग्जैक्टली उतनी ही लाइट यहाँ पे गिरेगी. ऑब्वियसली लाइट की एल की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आए आई की वैल्यू स्क्रीन पे मेजर होती है, तो आई की वैल्यू स्क्रीन पे सेम है. पर अब किसी ने क्या किया, सेकेंड केस में यहाँ पर ना मिरर रख दिया. अब मिरर रखने से यहाँ पर दो बल्ब दिख रहे हैं मुझे, एक एक्चुअल और एक इसकी इमेज. अब इन दोनों बल्ब की लाइट यहाँ पर ज़्यादा गिरने लग गई, वो बल्ब जो यहाँ पर इक्वल लाइट पहले गिर रहा था इसके मुकाबले की वो नहीं गिरेगी, तो इक्वल करने के लिए आपको इस बल्ब को थोड़ा आगे करना पड़ा ताकि भी ज़्यादा आई की वैल्यू ज़्यादा गिरे, और ताकि इन दो बल्ब की और इस बल्ब की आई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाए, फिर से सेम हो जाए. तो बताओ दोनों बल्ब ये एक्स कितना है, ये बल्ब को कितना आगे करना पड़ेगा ताकि आई दोनों की तरफ से क्या हो जाए अब सेम. क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पहले आई सेम था 60 और 100 पे, अब मिरर लगाने के बाद ये दो बल्ब बन गए, और दो बल्ब कैसे बने, मिरर आपने 20 पे लगाया तो इमेज 20 पे है, तो अब दो बल्ब का आई और एक बल्ब का आई बराबर करने के लिए इसको आगे करना पड़ा, ठीक. तो इक्वेशंस फोटोमेट्री की अपने को पता है, पहली इक्वेशन क्या बनेगी फोटो इसकी फोटोमीटर की, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए क्या बनेगी, इसकी मान लो एल की वैल्यू एल ए और इसकी कितनी एल बी, तो एल ए डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर इज एल बी डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन, ठीक हो गया. फिर सेकेंड केस में जब आपने मिरर को रख दिया, मिरर को रखने के बाद अब ये दो बल्ब हैं, फर्स्ट बल्ब कितनी दूरी पे है 60, दूसरा बल्ब कितनी दूरी पे है 20 प्लस 20 प्लस 60, और दोनों बल्ब इक्वल एल सेम बल्ब हैं, इमेज मिरर इमेज है, तो एल की वैल्यू भी दोनों की क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम. तो फर्स्ट बल्ब के लिए एल ए डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर, और इस बल्ब के लिए एल ए, एल ए डैश का मतलब एल ए, एल ए डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 प्लस 60 का स्क्वायर, और मस्ट बी इक्वल टू इसके इक्वल आ गया, और ये रहा, और दिस मस्ट बी इक्वल टू जो सेकेंड बल्ब है वो कितनी दूरी पे है अब एक्स, एल बी बाई एक्स का स्क्वायर. पिछली और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा. तो आपको फोटोमीटर का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि अगर कोई न्यूमेरिकल फोटोमीटर पे आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एल बाई एल अपॉन आर स्क्वायर की रेशियो को सेम कर देना, दैट्स इट, अपने पास आ जाएगा. तो बेसिक आइडिया फोटोमेट्री का क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ सकती हैं, क्या फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करके जाने हैं फोटोमेट्री से पहले, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक है. तो इसी के साथ कुछ लोग मन में सोच रहे हैं थैंक गॉड ऑप्टिक्स हुआ खत्म, ठीक.